अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका थर्ड पार्ट हम आज सॉल्व करेंगे। तो हम सिमिलर टर्म्स के बारे में पढ़े थे, उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ ये लेक्चर जो है उसको अच्छे से इसकी एक्सरसाइज करते हैं और ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं उनको याद भी रखते हैं और डिटेल से लिख भी लेते हैं। तो आज भी देखें इस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट के अंदर सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों ब्रैकेट के अंदर सिमिलर टर्म्स हैं, तो हम इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे ये लिखा ना 2x + 3x तो 5x, इसी तरह से 2√3 + 3√3 तो ये बन जाएगा 5√3। मिसाल मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, जैसे होता है 2x + 3x तो आप इसका आंसर फौरी बोलेंगे 5x। तो जहाँ पे x है अब वहाँ पे रूट है, स्केयर रूट ऑफ थ्री अब वहाँ पे स्केयर रूट है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, जो एक्स एक्स सेम हो तो उनको प्लस माइनस, इसी तरह रूट रूट सेम है तो इनके कोएफिशिएंट को प्लस माइनस किया जा सकता है। अब इसके साथ अगर कोएफिशिएंट नहीं है तो अंडरस्टूड इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 × 1 = 5 और रूट वाले को रूट वाले से किया जा सकता है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा √3 × √3। तो ये लॉ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर दो रूट सेम मल्टीप्लाई हो रहे हों उनको एक रूट में लेके जाया जा सकता है। तो ये 3 × 3, अब ये एक रूट में है, इसका स्केयर बना लें, स्केयर और स्केयर रूट कट गया 5 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। यहाँ से आज हमने ये बात सीखी, डायरेक्ट आप एक प्रोसेस सीख सकते हैं कि दो सेम रूट हों, ये जैसे √3 √3 और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो 1 √3 के बराबर हो जाते हैं। देखें ये दो सेम रूट थे और आखिर में वो 1 √3 के बराबर हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, पार्ट नंबर 4 वो है हमारे पास। ये नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखें ये फिर ब्रैकेट के अंदर सिमिलर टर्म्स हैं, ये भी √5 है, ये भी √5 है, एक का कोएफिशिएंट 6 है, एक का 3 है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3√5 इसका आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। अब कॉन्स्ट ये जो कोएफिशिएंट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जबकि रूट वाली वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो ये 2√3 = 6√5 जो है इसका आंसर, बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।